सदस्य सलाहकार समिति भारतीय खाद्य निगम एवं भविष्य निधि कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर श्रीमती सुमित्रा महाजन के प्रतिनिधि व महू भाजपा के लोकप्रिय नेता माननीय श्री शिवजी शर्मा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपका लाइव मध्य प्रदेश में और आपके साथ मैं हूं शाहनवाज सुल्तान। चलिए खबरों के खुलासे की तरफ बढ़ते हैं। बुरहानपुर में शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने का एक मामला सामने आया है। शहर की शासकीय जीजा माता पॉलिटेक्निक कॉलेज की सेकंड ईयर की छात्राओं ने प्रोफेसर के द्वारा उनके साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने जैसे संगीन आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर आज कॉलेज के छात्र छात्राओं ने कॉलेज के गेट पर बैठकर प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर जमकर नारेबाजी की। छात्राओं का आरोप है कि प्रोफेसर अनिल शाह छात्राओं को बुलाकर उनके साथ अश्लील बातें और छेड़छाड़ करते थे। जब ये हरकत एक से ज़्यादा छात्राओं के साथ होने लगी और छात्राओं ने एक दूसरे को अपने साथ हुई छेड़छाड़ के बारे में बताया, तब मामला और ज़्यादा गर्मा गया। छात्र छात्राओं के विरोध को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी सहित भारी पुलिस बल कॉलेज में तैनात किया गया। पुलिस ने छात्राओं की शिकायत पर उनके बयान दर्ज किए और प्रोफेसर अनिल शाह के खिलाफ छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज किया। तब जाकर छात्र छात्राओं का गुस्सा शांत हुआ। छात्राओं की मांग है कि ऐसे शिक्षक की सेवाएं समाप्त कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। विश्वकर्मा जयंती थी उस दिन, आज भी सर मुझे बुलाने गए कि सर बुला रहे हैं और मैंने पेमेंट, मैं सांस्कृतिक सचिव हूँ कॉलेज की और मेरे को सर ने बुलाया है था कि मतलब तूने पैसे अध्यक्ष को क्यों दिए, मुझे क्यों नहीं दिए, तो मैं गई और अल्पित सर को बाहर भेज दिया और मेरा हाथ पकड़ा और मेरे गालों को भी छुआ। अनिल शाह सर HOD है हमारे सिविल के, सर उसको कॉलेज से ही निकाले। सर ने मेरे को बुलाया और मतलब कि कुछ गंदी गंदी बातें कर रहे। स्टूडेंट ने एक व्याख्याता हमारे फैकल्टी मेंबर है अनिल शाह, उनके विरुद्ध शिकायत किया है उनने कि वो उनसे क्वेश्चंस करते हैं, उनको दबाव डालते हैं, साथ में कुछ आरोप ऐसे भी लगाए हैं जो उनसे इस तरह से किए कि हमको टच करते हैं, इस तरह के आरोप भी लगाए हैं। उसके विरुद्ध हमने जो बच्चे चाह रहे थे कार्रवाई कर दी है और जांच कमेटी बिठा रहे हैं, जांच कमेटी जो भी सत्य है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी पॉलिटेक्निक कॉलेज से कुछ ऐसी शिकायत आई है, कुछ बच्चों ने कुछ शिक्षक पर आरोप लगाया है कि छेड़छाड़ का कोई आरोप है, तो उसी संबंध में सारे बच्चे एकत्रित हो गए थे, हल्ला मचा रहे थे, तो बल के साथ में पहुँचे कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति।